हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, ये वीडियो है स्पोर्ट ट्रेनिंग एंड टीचिंग मेथड से। जैसा कि आपका बीपीएससी टीजीटी 2023 का जो एग्ज़ाम है 7 से 10 दिसंबर के बीच है, टाइम आपके पास नहीं है, तो मैं सभी टॉपिक को डिटेल में एमसीक्यू के माध्यम से डेली बेसिस पे दो दो वीडियो अपलोड कर रही हूँ। आप सभी मेरे साथ प्रैक्टिस में लग जाइए। और यह केवल बीपीएससी टीजीटी के लिए नहीं है, सभी फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सभी वीडियो को ध्यान से देखिए एंड आपका बीपीएससी टीजीटी के बाद ईएमआरएस का एग्जाम आ रहा है, तो सभी अभ्यर्थी प्रैक्टिस कर सकते हैं और डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए और सभी टॉपिक पर ध्यान दीजिए एंड जो कमियाँ हैं उसको जल्द से जल्द दूर कीजिए। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा, एक एक क्वेश्चन देखिएगा, सभी क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और फ्री में इतना आपके लिए कोई नहीं कर सकता और न तो फ्री में इतना कोई वीडियो अपलोड कर सकता है। तो जो मैं मेहनत कर रही हूँ उसको आप भी मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। तो दोस्तों, क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, 3000 मीटर से ऊपर की ऊँचाई निम्न में से किस पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है? तो दोस्तों, 3000 मीटर से ऊपर की जो ऊँचाई होती है वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, उससे ज़्यादा क्या करना पड़ता है, सहन शक्ति क्रियाओं को प्रभावित करती है। तो जैसे कि यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा लंबी दूरी की दौड़, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग को प्रभावित करती है, सबसे ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव डालती है। एंड नेक्स्ट है, खेल कूद में एर्गोजेनिक सहायता प्रदान करता है, प्रोवाइड्स एर्गोजेनिक सपोर्ट इन स्पोर्ट। तो एर्गोजेनिक पदार्थ होता क्या है? ऐसा साधन या क्रिया से है जिसके द्वारा एक खिलाड़ी की पेशियों की ताकत, उनकी गति, प्रतिक्रियात्मक क्षमता, सहनशीलता में वृद्धि हो, या विभिन्न प्रकार की विधियां जिससे खिलाड़ी के प्रदर्शन में सुधार किया जा सकते। यानी कि वे पदार्थ, भोजन व प्रशिक्षण के तरीके जो ऊर्जा के उत्पादन, प्रयोग या पुनः शक्ति प्राप्ति को बढ़ाते हैं। तो ये क्या करते हैं, वे साधन व प्रक्रिया जिससे खिलाड़ी की क्षमता या प्रदर्शन में सुधार होता है। तो एर्गोजेनिक एड्स जो होते हैं वह शक्ति एवं सहनशीलता को बढ़ाता है और एकाग्रता को बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर ई आपका सही होगा, ए और बी दोनों, शक्ति एवं सहनशीलता को बढ़ाता है एंड एकाग्रता को बढ़ाता है। ए एर्गोजेनिक एड्स जो है वह 5 प्रकार के होते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशनल एड यानी पोषण साध्य, फिजियोलॉजिकल एड्स यानी शरीर क्रियात्मक साध्य, साइकोलॉजिकल एड्स यानी मनोवैज्ञानिक साध्य, मैकेनिकल एड्स यानी यांत्रिक साध्य, फार्माकोलॉजिकल एड्स यानी कि औषधि साध्य। एंड नेक्स्ट है, व्यायाम के बाद पेशी के पूर्ण पुनर्संश्लेषण के लिए औसतन न्यूनतम अवधि कितनी है? व्हाट इज द एवरेज मिनिमम पीरियड ऑफ फॉर कंप्लीट मसल्स रीजनरेशन आफ्टर एक्सरसाइज? यानी कि पेशियों को पुनः रीजनरेट करने के लिए व्यायाम के बाद कितना आप गैप रखेंगे, तो उसमें आपको गैप रखना है 48 घंटे। यानी कि जब कोई खिलाड़ी किसी प्रकार का प्रशिक्षण ले रहा हो तो उसे हमेशा व्यायाम हल्के से आरंभ करके वजन का परिणाम धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, थोड़ा रुक कर वर्कआउट के बाद मांसपेशियों में खिंचाव डालना चाहिए। 2 वर्कआउट सत्र के मध्य 48 घंटे का आराम सुझाया गया है ताकि मांसपेशियों के बढ़ने में पर्याप्त आराम मिल सके। एंड नेक्स्ट है, प्रशिक्षित व्यायामी में हृदय का सूक्ष्म परिणाम होता है। तो जो प्रशिक्षित व्यायामी है, ट्रेंड एक्सरसाइजर है, तो उसका क्या होगा? जैसे कि सामान्य अवस्था में आपका हार्ट रेट 72 बार प्रति मिनट होता है एंड जब ट्रेनिंग करते हैं तो 180 बीट प्रति मिनट हो जाता है, लेकिन एक जब प्रशिक्षित खिलाड़ी होता है उसका सामान्य अवस्था में 40 से 50 हार्ट रेट होता है। तो क्या हो रहा है, घट रहा है, सूक्ष्म परिणाम क्या है, घट रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। एंड नेक्स्ट है, पैर के बल को इससे सुधारा जा सकता है, किससे? हाउ कैन लेग स्ट्रेंथ बी इम्प्रूव्ड? तो पैर के बल को, यहाँ पे पैर यानी कि डेप्थ जंप, जंप पैर से ही लगाते हैं, तो पैर के
बल को किसे सुधारा जा सकता है? डेप्थ जंप के द्वारा। इसमें खिलाड़ी का बॉक्स पर उछाल के साथ ऊपर नीचे छलांग लगाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिक्रमा प्रशिक्षण यह इसके विकास पर प्रभावी प्रकार है। इस सर्कुलर ट्रेनिंग एंड इफेक्टिव टाइप ऑफ इट्स डेवलपमेंट। तो जो सर्किट ट्रेनिंग होता है वह किसके विकास के लिए प्रभावी है? तो बल तितिक्षा यानी कि स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, शक्ति सहनशीलता का विकास करती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शारीरिक क्षमता व्यक्ति को तुरंत अपनी शरीर स्थिति और भेद को सुस्पष्ट तरीके से बदलने में प्रभावित होती है वह क्या कहलाती है? द फिजिकल एबिलिटी दैट इनेबल्स ए पर्सन टू इमीडिएटली चेंज हिज बॉडी पोजिशन एंड अपेरेंस इन ए नोटिसिबल मैनर एज। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं फुर्ती यानी कि एजिलिटी। एंड नेक्स्ट है, वायुजीवी स्वास्थ्य बेहतर तरीके से इसके द्वारा पाया जा सकता है। तो एरोबिक हेल्थ कैन बी बेटर अचीव्ड बाय, तो वायुजीवी जो स्वास्थ्य है किसके द्वारा बेहतर तरीके से पाया जा सकता है? तो जो जितना ज़्यादा लंबे समय की क्रिया होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, बड़ी दूरी की दौड़ यानी लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग से हम एरोबिक स्वास्थ्य को बेहतर तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि ऊर्जा आपूर्ति के लिए एरोबिक प्रणाली अथवा व्यवस्था सभी प्रकार के सहन शक्ति की आवश्यकता वाले खेलों का मूल आधार होता है, जैसे कि दौड़ना, चलना, साधारण व्यायाम, लंबी दूरी की दौड़, वॉलीबॉल एंड बास्केटबॉल आदि सभी एरोबिक गतिविधि के उदाहरण हैं। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन के साथ, अनएरोबिक मतलब ऑक्सीजन के बिना। अनएरोबिक जो होता है छोटे समय की क्रियाएं होती हैं जिससे मसल्स डेवलप होता है, जैसे कि 100 मीटर स्प्रिंट एंड भार उठाना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, दौड़ के अंत के समय धावक पर यह बल काम करता है। व्हाट फोर्स एक्ट्स ऑन द रनर नियर द एंड ऑफ द रेस। तो रेस के अंत में जो होता है वह क्या काम करता है? वजन, घर्षण, सभी प्रतिरोध, यहाँ पे उपरोक्त सभी आपका राइट होगा, वेट, फ्रिक्शन एंड ऑल रेसिस्टेंस। तो यहाँ पे दो बल होता है, एक मांसपेशीय बल जो मसल्स के द्वारा लगाया जाता है, आंतरिक बल जिसे कहते हैं, और बाह्य बल में आपका होता है वजन, घर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल, प्रतिरोध। तो ये सभी आपका राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, डंबल्स ठीक है, बारबेल्स और पुली मशीन का उपयोग इसमें होता है, यानी डंबल्स का प्रयोग, बारबेल्स का प्रयोग, पुली मशीन का प्रयोग किसमें होता है? तो डंबल्स, बारबेल्स एंड पुली मशीन आर यूज्ड इन किसमें होता है? ये सभी बल प्रशिक्षण यानी कि भार प्रशिक्षण से रिलेटेड है, वेट ट्रेनिंग से रिलेटेड है। और भार प्रशिक्षण के माध्यम से मांसपेशियों की ताकत, धैर्य, प्रतिरोध को बढ़ाया जाता है। एंड नेक्स्ट है कि गति इसका समुच्चय नहीं है। तो दोस्तों गति, मोशन इज नॉट एरोगेंट ऑफ, तो यहाँ पे देखते हैं अत्यधिक गति, एक्सेसिव स्पीड में भी स्पीड है, विस्फोटक क्षमता जो है आपका गति और बल का मिला करके बनता है। गति तितिक्षा यानी कि गति सहनशीलता, स्पीड एंड्योरेंस में भी गति है, जबकि गति पुनरावृत्ति का समुच्चय नहीं है, रिपीटेशन का समुच्चय नहीं है। गति से तात्पर्य अधिकतम संभावित गति से शरीर अथवा इसके अंगों को संचालित करने की योग्यता से है, ठीक है, रिपीटेशन का समुच्चय कॉम्बिनेशन नहीं है गति का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल प्रशिक्षण में दो अभ्यासों के बीच खिलाड़ी को कितना आराम देना चाहिए? तो दो अभ्यासों के बीच 48 घंटे का आराम देना चाहिए। एंड नेक्स्ट है, निम्न में से टांगों के लिए कौन सा परिक्रमा व्यायाम नहीं है? तो टांगों के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सर्कल एक्सरसाइज फॉर लेग। तो यहाँ पे टांगों के लिए, क्योंकि स्क्वाट जंप, स्ट्रॉयड जंप, स्टेप अप्स टांगों के लिए सर्कुलर एक्सरसाइज है, बट पुलअप्स नहीं है, ये हमारे बांह के लिए है। एंड नेक्स्ट है,
खेलों में संवेदनों के प्रशिक्षण का बेहतर तरीका है। ए देयर ए बेटर वे टू ट्रेन सेंसेस इन स्पोर्ट्स। तो इसके लिए बेहतर तरीका है उदात्तीकरण। क्या है? उदात्तीकरण यानी सबलिमेशन। एंड नेक्स्ट है वायुजीवी व्यायाम इसके विकास में सहायक है। डज एरोबिक एक्सरसाइज हेल्प इन इट्स डेवलपमेंट। तो वायुजीवी व्यायाम किसके विकास में सहायक है? तो वायुजीवी यानी एरोबिक जो व्यायाम है, एक्सरसाइज है, वो ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीजन के साथ किया जाता है। इसमें सहनशीलता यानी लंबे समय की क्रियाएं होती हैं। तो यहाँ पे आपका एंड्योरेंस यानी कि तितिक्षा आपका राइट हो जाएगा। एंड्योरेंस यानी सहन शक्ति यानी कि तितिक्षा आपका राइट हो जाएगा। एरोबिक का अर्थ है ऑक्सीजन के साथ। एरोबिक कार्य के दौरान शरीर उतना कार्य करता है जितनी शरीर के ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। एरोबिक सहनशीलता का विकास लगातार दौड़ने जिससे ऑक्सीजन लेने की क्षमता बढ़ जाती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रशिक्षण का अत्यधिक लंबा चक्र है? Which of the following is an extremely long rest training cycle? तो ट्रेनिंग साइकिल तीन प्रकार का होता है, मैक्रो चक्र, मीजो चक्र एंड सूक्ष्म चक्र या साप्ताहिक चक्र। जो मैक्रो चक्र जो होता है 3 से 12 महीने का होता है, जिसे ट्रेनिंग योजना भी कहते हैं। एंड मीजो चक्र जो है 3 से 6 सप्ताह का होता है, जिसे मासिक ट्रेनिंग चक्र या अवस्थान चक्र भी कहते हैं। एंड सूक्ष्म या साप्ताहिक चक्र जो होता है, जिसे माइक्रो चक्र भी कहते हैं, 3 से 10 दिन या 1 सप्ताह का होता है। तो यहाँ भी सबसे लंबी अवधि का कौन सा होता है? तो मैक्रो चक्र होता है। एंड नेक्स्ट है डोकोबोलस नाम के प्रसिद्ध व्यायामी शिल्प का ग्रीक में क्या अर्थ है? तो इसका ग्रीक में अर्थ है चक्का फेंकने वाले को डोकोबोलस ग्रीक में कहा जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी क्रिया अत्यधिक कैलोरी जलाती है? तो विच एक्टिविटी बर्न्स ए लॉट ऑफ कैलोरी। तो सबसे ज़्यादा आपका रनिंग यानी कि दौड़ने से सबसे ज़्यादा कैलोरी बर्न होती है। दौड़ने से सबसे ज़्यादा कैलोरी बर्न होती है यानी कि एक कैलोरी ऊर्जा वह होती है जो 1 लीटर जल का तापमान 1 सेंटीग्रेड तक बढ़ा दे उसे, यानी कि 10 मील प्रति घंटा यानी कि 16 किलोग्राम प्रति घंटा दौड़ने से अत्यधिक कैलोरी जलेगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस थ्रो की क्रम है, ठीक है। डिस्कस थ्रो की क्रम क्या है? क्रम डिस्कस थ्रो की क्रम को बेतरतीब यानी कि अनियमित ढंग से रखा गया है, उन्हें सही क्रम में जोड़ें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्कस थ्रो में सबसे पहले आप क्या करेंगे, खड़े होकर के स्विंग करते हैं, घूमते हैं, तो ठीक है। तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, सबसे पहले प्रिलिमिनरी स्विंग होगा, ठीक है। तो चार आपका आएगा पहले, ठीक। तो बी और सी दोनों में चार है। उसके बाद आप क्या करेंगे, स्विंग करेंगे, घूमेंगे, उसके बाद प्रिलिमिनरी स्विंग करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। मतलब कि पहले प्रिलिमिनरी यानी कि डिस्कस को लेकर के हाथ में ऐसे ऐसे आगे पीछे करेंगे, आगे पीछे करते ही यानी स्विंग कहते हैं उसके, स्विंग करते ही आप क्या करेंगे, रोटेट घूम जाएंगे। तो दूसरा स्टेज में रोटेट यानी घूमेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, रिलीज स्टांस यानी स्टांस पोजीशन में आएंगे। यानी एक साथ सभी क्रियाएँ होती हैं, उसमें समय नहीं लगता है, ठीक है। तो स्टांस पोजीशन में आएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एक्शन यानी कि भाला को डिस्कस को फेंक देंगे, एक्शन करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। एंड नेक्स्ट है एक बेंच से फर्श पर कूदना तथा तुरंत वापस बेंच पर आ जाना में किस प्रकार के भार को दर्शाता है? तो यह प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज होता है। क्या होता है? प्लायोमेट्रिक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा, प्लायोमेट्रिक्स। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी प्रशिक्षण विधि कार्य एवं विश्राम के प्राकृतिक तारतम्यता पर कार्य करती है? तो कौन सी प्रशिक्षण विधि कार्य एवं विश्राम के प्राकृतिक तारतम्यता पर कार्य करती है? यानी विच आर द फॉलोइंग ट्रेनिंग मेथड्स वर्क्स ऑन द
नेचुरल रिदम ऑफ वर्क एंड रेस्ट। वर्क एंड रेस्ट, वर्क करो फिर रेस्ट करो, यानी जब ये होता है आपका अंतराल प्रशिक्षण इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, जिसमें से प्रशिक्षण कराते समय जब हार्ट रेट 180 तक पहुंच जाता है तो तुरंत क्रिया को रोक दिया जाता है और इसमें अनकम्प्लीट रिकवरी दिया जाता है। तो रोकने के बाद जब ही हार्ट रेट 120 से 140 पर जाती है तुरंत क्रिया शुरुआत कर दिया जाता है, यानी कि पूरा रिकवरी नहीं दिया जाता है, अनकम्प्लीट होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिवर्धन योग्यता को बढ़ाने के लिए प्रबलता कितनी होनी चाहिए? तो व्हाट शुड टेबल सॉलिड बी द इंटेंसिटी टू इंक्रीज दैट स्पीड इंक्रीज एबिलिटी। तो दोस्तों गतिवर्धन योग्यता को बढ़ाने की प्रबलता यानी कि इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 75 से 100%, 75 से 100%, जबकि इंडोरेंस वाले में 40 से 50% आपका होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी लचीलेपन की प्रशिक्षण विधि है जो मांसपेशियों के रिसेप्टर ऑर्गन में तथा गतिविधियों की रेंज को बढ़ाने में सहायता करती है? विच इज द फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग मेथड दैट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द मसल्स रिसेप्टर ऑर्गन एंड द रेंज ऑफ मोमेंट्स। तो वो होती है आपकी प्रोप्रायोसेप्टर न्यूरोमस्कुलर फैसिलेशन, प्रोप्रायोसेप्टर न्यूरोमस्कुलर फैसिलेशन, इसे PNF मेथड भी कहा जाता है। इस तकनीक का विधि का प्रयोग उच्च श्रेणी के प्रगतिशील खिलाड़ियों द्वारा लचक यानी लचीलापन में वृद्धि करने के लिए किया जाता है तथा मांसपेशियों के रिसेप्टर ऑर्गन में तथा गतिविधियों के रेंज को बढ़ाने में सहायता करता है। एंड लचीलेपन को विकसित करने की स्टैटिक डायनामिक एंड PNF मेथड होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः 2 से 3 गुना सांद्रता बढ़ाने के लिए आहार प्रणाली को तैयार करना जो कि मांसपेशी ग्लाइकोजन के एकत्रीकरण को बढ़ाता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहा जाता है ग्लाइकोजन लोडिंग। क्या कहा जाता है? ग्लाइकोजन लोडिंग, यानी कि ग्लाइकोजन लोडिंग को कार्बोहाइड्रेट लोडिंग या ग्लाइकोजन लोडिंग दोनों कहा जाता है। इसका उपयोग सर्वप्रथम सन 1967 में सहनशीलता वाले खिलाड़ियों द्वारा किया गया था। खिलाड़ी द्वारा कार्बोहाइड्रेट लोडिंग से थकान की अवधि को बढ़ाया जाता है, यानी कि देर से थकान होता है। और उदाहरण के लिए मैराथन धावक यदि 1 किलोमीटर प्रति 6 मिनट की दर से दौड़ता है तो वह लगभग 20 किलोमीटर बाद थक जाता है तथा 26 किलोमीटर लगातार दौड़ने के लिए 2 से 3 गुना सांद्रता बढ़ाने के लिए आहार प्रणाली को तैयार करने की जो मांसपेशी ग्लाइकोजन तथा कार्बोहाइड्रेट आहार उसी दर से उपलब्ध कराता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियमित व्यायाम हमारे रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को किस तरह प्रभावित करता है? हाउ डज रेगुलर एक्सरसाइज अफेक्ट द अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन आवर ब्लड? तो यहाँ पे जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये क्या होता है, जब हार्ट अटैक आता है तो ज़्यादातर इसी कारण आता है, जो हमारे धमनियाँ होती हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल जम जाता है और जिसके कारण जो रक्त संचार होता है अच्छे से नहीं हो पाता। तो इसीलिए जब ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं होता तो हार्ट अच्छे से यानी हृदय अच्छे से काम नहीं कर पाता तो हार्ट अटैक आ जाता है। तो जो कोलेस्ट्रॉल 2 प्रकार का होता है, HDL LDL, HDL यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, LDL मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। जो HDL होता है वो हमारे लिए लाभदायक होता है, इसकी मात्रा अधिक होना चाहिए। LDL जो होता है हमारे लिए अच्छा नहीं होता, ज़्यादा LDL का मतलब आपका खराब स्थिति है कोलेस्ट्रॉल की। तो यहाँ पे नियमित व्यायाम क्या करता है, हमारे शरीर में रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को क्या करता है, HDL की मात्रा को कम करता, HDL की मात्रा को बढ़ाता है तथा LDL की मात्रा को क्या करता है, घटाता है। एंड नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट लोडिंग परिभाषिक शब्द जो कि खिलाड़ियों द्वारा प्रयोग किया जाता है का अर्थ है कि वह ऊर्जा की मात्रा जिसको हम कर सकते हैं, का क्या कर सकते हैं, मांसपेशियों में जमा कर सकते हैं, हमारी मांसपेशियों में क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का प्रशिक्षण मांसपेशी आकार तथा शक्ति को बढ़ाता है? What type of training increase muscle size and strength? तो किस प्रकार का जो प्रशिक्षण है जो मांसपेशी आकार और शक्ति को बढ़ाता है,
तो वो होता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, यानी कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी कि शक्ति प्रशिक्षण जो होता है, ठीक है। जिसे यदि भारत जैसे भारोत्तोलन हो गया एंड मसल से रिलेटेड जो भी क्रियाएं होती हैं अनैरोबिक क्रियाएं। एंड नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा टेस्ट वरिष्ठ नागरिकों के शरीर के निचले भाग के लचीलेपन को मापता है? विच आर द फॉलोइंग टेस्ट मेजर लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी एंड सीनियर सिटीजन्स? तो ये होता है आपका चेयर सीट एंड रीच टेस्ट। चेयर सीट एंड रीच टेस्ट जो होता है वह हमारे शरीर के निचले भाग के लचीलेपन को मापता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बल प्रशिक्षण की प्रतिरोधक क्षमता, यदि बल प्रशिक्षण की प्रतिरोधक मात्रा अधिकतम भार उठाने का 30-50% तक है तो उसकी जोन की प्रबलता क्या होगी? तो उसकी जोन की प्रबलता जो होगी वह कम होगी, यानी कि प्रतिरोध का सामना करने की मांसपेशियों की योग्यता को बल कहा जाता है, स्ट्रेंथ कहा जाता है। बल ट्रेनिंग यानी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की प्रतिरोध की मात्रा अधिकतम भार उठाने का 30-50% तक होता है तो उसकी जोन की प्रबलता जो है इंटेंसिटी कम होगी। एंड नेक्स्ट है, अतिभार से होता है तो इट इज कॉज बाय ओवरलोड। तो ओवरलोड से तो थकान होता है, बट यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये नहीं है। ओवरलोडिंग मतलब कि जितना आपको भार दिया जा रहा है उससे ज़्यादा कुछ भार दे तो उसे प्रशिक्षण भार कहते हैं। तो वो आपकी एडाप्टेशन को बढ़ाता है। आप जितना भार डेली दिया जा रहा है उससे थोड़ा सा ज़्यादा भार दिया जाता है कि अतिभार किसी व्यक्ति की योग्यता में प्रगति या सुधार करने का एक प्रशिक्षण का एक अग्रणी सिद्धांत होता है। जब हम किसी व्यायाम या क्रिया को लगातार करते रहते हैं तो इंद्रियां उस कार्य को करने की अभ्यस्त हो जाती है, वह कार्य बिना अधिक ध्यान दिए स्वतः ही हो जाता है, उसे अनुकूलन कहते हैं। मान लीजिए आप जितना रोज डेली कर रहे हैं एक दिन आप उसको भार को बढ़ाएंगे तो आपको परेशानी होगी, बट आप डेली उसी को करने लगेंगे धीरे धीरे आप उसमें अनुकूलन कर लेंगे, एडॉप्टेशन कर लेंगे तो आपके अभ्यास में आ जाएगा, फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलकूद प्रशिक्षण का कौन सा सिद्धांत सामान्य मोटर कौशल और फिटनेस विकास का हवाला देता है? विच प्रिंसिपल ऑफ एथलेटिक ट्रेनिंग रिफर्स टू जनरल मोटर स्किल एंड फिटनेस डेवलपमेंट? तो इसमें कौन सा देता है? तो ये आपका राइट आंसर होगा आवर्तनीकरण का सिद्धांत। आवर्तनीकरण का सिद्धांत जिसे प्रायोरिटाइजेशन कहते हैं, खेलकूद प्रशिक्षण में फिटनेस विकास एवं सामान्य गामक कौशल से संबंधित है। गामक कुशलता विकास का स्तर बताती है कि लोग अपने शरीर का सीमित विकास कैसे करें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कार्य जिसमें वह कार्य करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा से कम मात्रा में शरीर ऑक्सीजन की आपूर्ति कर सकता है किसके रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े होंगे तो क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आप टिक कर दिए होंगे। क्या कह रहा है कि द फंक्शन इन विच द बॉडी कैन सप्लाई ऑक्सीजन इन लेस क्वांटिटी दैट द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दैट फंक्शन इज नोन एज। तो ऑक्सीजन की कम मात्रा, ठीक है, ऐसा कार्य जिसमें कार्य करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा से कम मात्रा में शरीर ऑक्सीजन की पूर्ति करता है तो उसे हम जानते हैं अवायवीय कार्य यानी कि अनैरोबिक फंक्शन, ठीक है। एंड यानी कि अनैरोबिक से तात्पर्य होता है ऑक्सीजन के बिना कार्य, यानी अनैरोबिक कार्य के दौरान शरीर इतना कड़ा परिश्रम करता है कि ऑक्सीजन और ईंधन की मांग आपूर्ति के मुकाबले बढ़ जाता है और उतना ऑक्सीजन शरीर को पूर्ति नहीं हो पाता है। इस समय पेशियां ईंधन के सुरक्षित भंडार पर ही निर्भर करती हैं, जो हमारे शरीर में जो ऊर्जा बना हुआ है उस पर ही निर्भर करती हैं। लेकिन जो एंड्योरेंस वाला क्रिया होता है ज्यादा समय की, लंबे समय की, तो हमारे शरीर में जो फैट इकट्ठा होता है उससे ऊर्जा प्राप्त करता है शरीर। एंड नेक्स्ट है, फ्री स्टाइल तैराकी के दौरान आर्म स्ट्रोक संकुचन का एक उदाहरण है। आर्म स्ट्रोक ड्यूरिंग फ्री स्टाइल स्विमिंग इन एज एग्जाम्पल ऑफ कंट्रक्शन। तो दोस्तों फ्री स्टाइल तैराकी, जैसा कि बताया गया था कि जो आइसो, इसका राइट आंसर होगा आइसोकाइनेटिक, जो जिसकी खोज 1968 में जेम्स ब्रायन ने किया था और यह
इसका आईसो मतलब सेम काइनेटिक मतलब गति, सेम गति एक स्थिर गति होता है, मशीनों द्वारा किया जाता है अक्सर पानी वाले खेलों में जैसे कि स्विमिंग एंड रोइंग आदि, तो यहाँ पे आईसो काइनेटिक होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत प्रशिक्षण विधि की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई, बाई हुम वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड, तो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड की खोज किसने किया था, तो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड की खोज किया था अर्नेस्ट वॉन ऑकेन ने, 1920 में किया था अर्नेस्ट वॉन ऑकेन ने किया था। यह सहन क्षमता को बढ़ाने का अच्छा तरीका है। एंड नेक्स्ट है, अंतराल प्रशिक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया था, द प्रूफ प्राउंडेड द इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, तो इंटरवल ट्रेनिंग मेथड की खोज किया था गर्सलर विकिला ने, ठीक है गर्सलर विकिला ने, तो यहाँ पे विकिला आपका राइट होगा। अंतराल प्रशिक्षण जिसे प्रयास एवं पुनः शक्ति प्राप्ति का सिद्धांत भी कहा जाता है और इसमें अनकम्प्लीट रिकवरी दिया जाता है और यानी कि प्रयास एवं पुनः शक्ति प्राप्ति सिद्धांत पर आधारित है। अबेबे विकिला 1920 ईस्वी में इस प्रशिक्षण विधि से अवगत कराया, इसे टेरेस प्रशिक्षण भी कहा जाता है याद रखिएगा, और यह गति सहनशीलता यानी स्पीड इंड्योरेंस को डेवलप करता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में बताइए और डेली बेसिस पे इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए। फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।